तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भारत एक ऐसा बड़ा सफल परीक्षण करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद कभी नहीं की गई होगी। भारत में बनने वाली ये टेक्नोलॉजी अभी तक अमेरिका और जापान जैसे देशों के पास ही उपलब्ध है, और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसको स्वदेशीकरण तरीके से भारत में IITs ने बना करके तैयार किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है IIT हैदराबाद की तरफ से, जहाँ पर भविष्य तकनीक को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ड्रोन को तैयार किया गया है जो कि अब अपनी पहली टेस्टिंग करने जा रहा है, वो भी पैसेंजर्स ड्रोन्स के साथ। यानी कि IITs की तरफ से तैयार किया गया ये ड्रोन अब यात्रा का परीक्षण करने जा रहा है। दूसरी भाषा में कहें तो इसे आप एयर टैक्सी के नाम से भी जान सकते हैं, जहां पर रिसेंटली IIT हैदराबाद के प्रोफेसर BS मूर्ति जी के साथ मिलकर के उनके छात्रों ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने का काम शुरू किया था। उनका कहना है कि काफी लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर IIT में काम चल रहा है, और उनका कहना है कि ये काम अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर यहां पर यात्रा का परीक्षण किया जाएगा इस ड्रोन के साथ। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इसी के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कि लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, इन सब से लोगों को बचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चल रहे बड़े प्रयास को भी सपोर्ट देने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। IIT हैदराबाद की तरफ से तैयार किए जा रहे ये ड्रोन्स रक्षा में भी काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिसकी वजह से हमें चीन और अलग अलग देशों से ड्रोन्स को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिनके बदले हमें साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा हमेशा बना रहता है। भारत की इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है कि इतना ज्यादा पावरफुल ड्रोन आखिर भारत में कैसे बनाया गया। ओवरऑल बात की जाए तो एक हफ्ते बाद इसका परीक्षण भी किया जाना है। तो आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।